और थोड़ा सा मैंने इसमें दलिया मिक्स करा है, तो सबके लिए मैं यही बताऊँ। जो खाना आज मैंने सुबह ना मेथी के पराठे बनाए थे, अर्थ को मैंने उठा दिया है और हम लोग जा रहे हैं अभी अथर भैया को लेने के लिए। एक्चुअली इसको भी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, बट अभी क्या है कि हम लोग को लेने तो जाना ही पड़ेगा, इस वजह से अब हम लोग बस निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो घर आने के बाद हम लोग ये एनर्जी ड्रिंक के पाउचेस सुरेश लाए हुए थे, डॉक्टर ने ही हमको रिकमेंड करे थे, तो आजकल हम यही पी रहे हैं। जब ये नहीं होता तो हम कोकोनट वाटर भी ले लेते हैं, बट ये जो एक पाउच है ना, एक ग्लास के लिए सफिशिएंट होता है, बट क्योंकि ना बच्चे भी, जब मैं कुछ पीती हूँ ना तो बच्चे भी मांगते हैं, और ये जो पाउचेज है ना ये सभी पी सकते हैं, बच्चे और बड़े कोई भी ले सकता है इनको। तो मैं बच्चों को भी ना थोड़ा सा ये दे देती हूँ, बच्चा एक एक दो दो सिप करके बच्चे भी इसको पी लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं थर्फ को लेकर स्कूल से, और आज ना रेड डे था एक्चुअली थर्फ के स्कूल में, तो सब बच्चे रेड रेड हो रखे थे। एक टॉय मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले जाना था रेड कलर का, टिफिन भी आज रेड, फ्रूट ही कुछ ले जाना था, तो सब कुछ आज रेड रेड ही था, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे, है ना। हाँ, तो अभी बस हम ये वाटर पी रहे हैं। आज ना मॉर्निंग में कोकोनट वाटर मैंने सुबह ही फिनिश कर दो, अथर क्लास कोकोनट वाटर है नहीं, तो अभी बस बाहर से आके ना मैं थोड़ा सब्जी वगैरह लेकर आई हूँ, तो थोड़ा सा एक ग्लास ये वाटर पी लेंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए लंच। तो लंच में आज मैं लौकी की सब्जी और सारी जो दाल है वो मिक्स करके, दलिया मिक्स करके मैं खिचड़ी बनाऊंगी, और हम सब यही खा लेंगे। बच्चों के लिए मैं पराठा वगैरह साथ में कुछ बना दूंगी। तो यार एक्चुअली ना मेरी हो गई थी तबीयत खराब, संडे को हम लोग फादर्स डे के फादर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मॉल गए थे। मॉल में हम लोग जस्ट हम गेम पार्लर गए थे, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई, हम डायरेक्टली घर आ गए थे। बट उसी दिन ना दिन के टाइम पर ना, जब जाने से पहले ही मुझे ना कुछ एलर्जी सा फील हो रहा था, मेरे थोड़ा फेस में यहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग वगैरह मुझे हल्का हल्का लग रहा था, बट मुझे लगा कि शायद ना मैंगोज वगैरह ज़्यादा खाने से हो रहा है मुझे एलर्जी वगैरह ऐसे ना माउथ के। हाँ, तो मैंने इसे छोड़ा, बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे तो कहाँ हम प्लान कैंसिल करते, तो मैंने मास्क वगैरह लगाया और मैं हम लोग चले गए थे। फिर घर आए तभी भी नॉर्मल था, उतना ही था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट रात को जब मैं सोई ना तो मुझे थोड़ा सा अनईजी हो रहा था, मेरा फेस में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मतलब कुछ हो तो रहा है मेरे फेस में। और नेक्स्ट डे मतलब मंडे को जब मैं उठी तो मेरा पूरा ये फेस, ये चीज़ पूरा ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। तो यार ये जो स्वेलिंग वाला है ना, ये बहुत बार मेरे साथ हो गया है एक्चुअली। 3 साल पहले भी ऐसे हुआ था, मुझे एलर्जी हुई थी, नोज एलर्जी हुई थी, जिससे ना मेरे ये पूरा हेड में पेन और वन साइड पूरी स्वेलिंग मतलब इस टाइप का हो गया था। तो उस टाइम पे भी हम लोग जब चेक कराया था तो थोड़ी प्लेटलेट्स वगैरह मेरी कम आई थी, डॉक्टर ने बोला था खूब आपको पानी पीना है, खूब पानी पीना है। तो यार अब करती तो हूँ मैं इतना, बट ये चीज़ ना बार बार हो रही है। अभी लास्ट 3-4 महीने पे जब मैं घर जाने से पहले, मतलब होम टाउन जाने से पहले भी मुझे एक बार हुआ था कि मेरे एक साइड में थोड़ा स्वेलिंग हो गया था यहाँ पर, और हेड में भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, वर्स्ट पेन होता है फिर मुझे ना जब ऐसा हो जाता है ना। तो पहले तो हमको लगता था कि आइस की वजह से है, कि आइस वीक है, बट आइस नहीं, एक्चुअली ना मुझे नोज़ में कुछ एलर्जी है। और अभी क्या हो रहा है मुझे, तो कल हम आज क्योंकि ट्यूसडे है तो कल सुरेश ने क्योंकि छुट्टी ली थी, क्योंकि मेरी तो फेस पूरा ऐसा हो रखा था ना कल, तो कि डॉक्टर पे हम लोग सुबह ही गए और डॉक्टर ने भी वही बोला कि आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, बट अभी पता नहीं है किस चीज़ से एलर्जी हो रही है एक्चुअली मुझे ना, बट मेरे पूरे थ्रोट में और जैसे ये चीज़ भी स्वेलिंग हो रहा है, और टंग भी एक्चुअली मेरी आज मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग लग रही है, बोलते हुए मुझे थोड़ा सा हैवी हो रहा है काफ़ी ना।
तो यार वही है यार, अभी कल भी डॉक्टर ने ये बोला कि आप पानी पियो, जितना पानी पी सकते हो आप पियो, क्योंकि ना एसिडिटी हो जाती है, फिर मुझे क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये वाला जो पेन है ये हो सकता है आपको। तो आप पूरा पानी वानी पियो अच्छे से। यार कितना पानी पीऊँ, कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ कितना पानी मैं पीऊँ ना, सुबह से उठ के मैं पानी ही पीती रहती हूँ। डॉक्टर हमेशा ही बोलते हैं कि आप थोड़ा लोअर साइड पे हैं, आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो लोअर साइड पे हैं, तो आप पानी से भी एक्चुअली ये जो कमी होती है ना ये पानी से नहीं हो पाती फुलफिल, आपको और चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जैसे कोकोनट वाटर, और जैसे ये मैं पी रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट वाटर ना, ये जो पाउचेस है इसको आप वाटर में डालकर आप पी सकते हो, तो काफ़ी एनर्जेटिक होता है। इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी होती है बॉडी में, मतलब ये पूरी कर देती है। तो यार यही सब चल रहा है अभी 2-3 दिन से, तो ऐसे ही चल रहा है। आज मैंने एक्चुअली मैं वीडियो बना रही हूँ दवाई, कल तो मैं परसों वाला जो व्लॉग है ना संडे वाला, वो मैं मतलब एंड ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फेस पूरा मेरा स्वेल हो गया था और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कल अथर्व को लेने भी हमने क्या हुआ, अभी अथर्व को अभी हमने ऑटो लगवा दिया है, दोबारा से हमारा जो सेम रूटीन है ना वही हो गया, क्योंकि सुरेश को भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ऑफिस जाने के लिए ना लेट हो रहा था, अगर वो अथर्व को स्कूल लेने जा रहे थे ना, इस वजह से तो हम लोगों ने ऑटो ही लगवा दिया, क्योंकि अभी बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से तो कल मुझे ही जाना था, कल हमने ऑटो मतलब बुला रखा था भैया को, पर दिक्कत ये हुई कि कल फेस ऐसा हो गया तो मैं कहाँ कल जाती इसको लेने के लिए, तो सुरेश ही कल इसको स्कूल से लेकर आए थे, उसके बाद फिर हम डॉक्टर पे गए। और जो और एक जो बहुत बड़ी चीज़ बहुत ही बढ़िया हो गया कि वो ये हो गया कि अर्थू की भी साथ में तबीयत खराब हो गई। मतलब ना कई बार तो ऐसा होता है ना घर पे कि मैं तो मतलब बीमार हुई हुई साथ में अर्थ भी हो गया। अर्थ का एक्चुअली लास्ट में क्या हुआ, तो उसके टीथिंग हो रहा है, उसके मोलर टीथ निकल रहे हैं, तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है ना टीथ निकलने में वो उसको अब हो रही है। इतने टाइम से उसको किसी भी टीथ में उसने इतना ज़्यादा मतलब क्रैंकी नहीं हुआ वो, ना हम लोगों को ढंग से ऐसे पता चला कि इसके टीथ निकल रहे हैं, कुछ नहीं बहुत नॉर्मल सा। बट लास्ट वीक लिटरली लाइक कि वो कुछ खा ही नहीं रहा था, मतलब च्यू करने वाला वो कुछ भी नहीं खा रहा था, केवल दलिया और मतलब मैं जो स्पून जो मैं फीड करा रही थी बस वो उतना ही खा रहा था, और उसने सब छोड़ दिया खाना, और इतना ज़्यादा मतलब मुझे कमज़ोर भी लगने लग गया ना। होता है ना एक तो हम लोग ऐसे दिन भर देखते हैं बच्चों को ना, तो लगता है ना कितना वीक लगने लग गया, मतलब मुझे पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया। हमने कहा चल टीथिंग हो रहा है ठीक हो जाएगा, पर टीथिंग होते होते ही ना अर्थू को क्या हुआ कि खांसी भी स्टार्ट हो गई। तो यही हुआ संडे को भी, उसको थोड़ी खांसी थी, बट कल उसको फिर फीवर भी आ गया दिन में, तो यार बहुत ही गड़बड़। तो कल पहले सुरेश अर्थू को ले गए डॉक्टर पे, फिर मुझे ले गए डॉक्टर पे, तो मतलब ना पूरा दिन हमारा कल डॉक्टरों के चक्कर ही लगता रहा। तो अर्थू का तो कल कुछ नहीं है, डॉक्टर बोला वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि अभी टीथिंग हो रहा है तो हर चीज़ नीचे से उठा के मुँह में बस सब कुछ जो उसे मिल रहा है ना वो अपने मुँह में डाल रहा है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि लूज मोशन भी हो गए थे अर्थू को, तो लूज मोशन भी ना ऐसे नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बट जैसे वो दिन में केवल एक ही बार करता है पूप, और अभी क्या हो रहा था वो 2-3 टाइम कर रहा था, जो भी खा रहा था मतलब वो एकदम से पूप कर जा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, तो बॉडी पे कुछ लग ही नहीं रहा है ना एक्चुअल में। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लास्ट वीक, तो और ऊपर से मैं बीमार हो गई और अलग, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब ना अपने आप हो जाओ ना बीमार तो चलो यार लगता है कि ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाते ना बीमार तो हो गया, मुझे तो ऐसा हो गया कि बस अब क्या मैं करूँ इसका यार। बहुत ज़्यादा कल मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हुई, और 2-3 दिन से एक्चुअली यही सब ही चल रहा है, बस वही है पानी पीते रहो। मेरा तो ना एक डॉक्टर पे जाकर ना मुझे ऐसा हो गया ना, इस बार तो पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक लास्ट जब से अर्थ हुआ है, सीरियसली बता रही हूँ, 1-1.5 साल से अर्थ के होने के, जब अर्थ को मैंने कंसीव किया ना उस टाइम भी मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में यही प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, पानी तभी डॉक्टर ने ये बोला कि आप पानी पियो कोकोनट वाटर पियो, ये सब तो चलो है उस टाइम भी किया, तो उस टाइम करते करते चलो वो नॉर्मल पे आ जाती हैं, बट क्या है कि क्योंकि ये लोअर साइड पे ही हैं तो अगर 1-2 दिन भी अगर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, लाइक मैंने पानी ढंग से नहीं पिया 1-2 दिन, या फिर मतलब मेरे डाइट पे कुछ चेंजेस हो गए, मैंने कुछ जंक खा लिया, तो सडनली क्या होता है कि मेरी बॉडी ना एकदम से मतलब बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना कि बिल्कुल डॉक्टर पे जाने की मतलब नौबत आ जाती है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या बोलूँ, जब से अर्थ हुआ है तब से ही मुझे जो ये जो डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है ना ये बहुत ही वर्स्ट होती जा रही है, और ये कभी भी हो जाती है। जब से मैं घर से आई हूँ ना वो हफ्ता भी मुझे थोड़ा तबीयत खराब रही, उसका जो नेक्स्ट वीक था वो ठीक रही मैं, मतलब ये क्यों हो रहा है पूरा ऑल्टरनेट वीक्स में हो रही है मेरी तबीयत खराब ना, तो बार बार यही सब हो रहा है। तो बस वही है यार, आज का दिन भी पूरा ऐसे ही निकलने वाला है, ना तो कुछ बनाने का मन कर रहा है ना कुछ खाने का मन कर रहा है, बस अब वही सब ही चल रहा है। तो अभी चलो खैर मैं लंच की प्रिपरेशन करती हूँ ये फिनिश करने के बाद। मैंने जीरे का इसमें तड़का लगाया है
खाना। आज मैंने सुबह ना मेथी के पराठे बनाए थे, तो एक एक मैंने छोटे। हाँ बेटा, क्या हुआ है, क्या चाहिए? अभी खाने का टाइम हो रहा है, अभी नहीं खाओ वो। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? ये चाहिए काजू? क्या ये लो, ये नहीं। हाँ यही तो मांग रहे थे आप। क्या स्पून चाहिए? स्पून से खाओगे? तो प्लीज, अरे तो देखो आप नीचे गिरा के खा रहे हो फिर बेटा। नहीं खाओ आप नीचे गिरा के। अरे 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 अरे, दो मम्मी दे वॉश करके, ठीक है? हाँ हाँ बस हो गया, ये लो। गिर जाएगा वो, खा लो खा लो। बस बस गया 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 गया। फिर से बेटा गिराना नहीं है यार तू। अटक जाएगा, अटक जाएगा, सीधे हो, अटो। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना लंच। तो दोनों बच्चे जब एक ही टाइम पर सोते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और आज का दिन तो मुझे सही में बहुत रिलैक्स चाहिए भी था, तो अच्छा हुआ कि दोनों जो है वो एक ही टाइम पर उन्होंने नैप ली थी आज। तो उठ गया है अपनी नैप से और अथर्व अभी भी सो रहा है। और आज बच्चों ने थोड़ा सा अच्छे, दोनों बच्चों ने मतलब एक ही टाइम पर नैप ली है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैं भी थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट कर लिया और थोड़ा सा मुझे फ्रेश थोड़ा फील हो रहा है। और थोड़ा अर्थू का मिल्क डॉक्टर ने कम्प्लीटली बंद करा हुआ है, कम से कम 4 दिन तक अर्थू को दूध नहीं देना है। ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बट आपको मुझे टॉप फीड मतलब नहीं करवाना है। तो अभी ना मैं इसको बस एक थोड़ा सा लाइट स्नैक्स दूंगी। तो मैंने अभी ना मखाने इसके रखे हैं घी में रोस्ट करके, वो इसको मैं दूंगी। और उसके बाद ना जल्दी डिनर हम कर लेंगे। वैसे अभी 6 o'clock हो रहा है और अभी ये थोड़ा बहुत मखाने खा लेगा। मैंने भी अपनी चाय वगैरह बस बना ली है, थोड़ी बहुत मैं चाय पीऊंगी अभी। तो डिनर में मैं बना रही थी मंगौड़ी। तो मंगौड़ी के लिए ना जो मूंग की दाल होती है, उसको 2-3 घंटे भिगो देना होता है और उसके बाद उसको ग्राइंड कर देना होता है। तो मैंने इसको भिगो दिया था शाम को और फिर रात को मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसमें बिल्कुल हल्के मसाले मैंने ऐड किए थे, सॉल्ट और हल्दी मैंने इसमें ऐड करी थी। और इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ना इसको डीप फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो उसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऑयली नहीं खाने हैं तो आप उसको फ्राई करने के बाद वाटर में भी निकाल सकते हैं इन पकौड़ों को। और अब बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल को स्टिर फ्राई किया था, क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल भी वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं आजकल, अर्थू स्पेशली बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। तो उसके उसी के लिए स्पेशली मैंने ये वेजिटेबल्स को ऐसे फ्राई किया था। और साथ में मैंने यहाँ पर मंगौड़ी भी बना दी थी और राइस भी मेरे साथ में रेडी हो रहे थे। डिनर बन गया है और बस अभी ना 8 o'clock हो रहा है, तो आज थोड़ा जल्दी ही दूंगी मैं, क्योंकि अर्थू ने भी ना उठ के इतना कुछ ज़्यादा खाया नहीं, थोड़े बहुत उसे मखाने खाए और कुछ भी नहीं खा रहेगा, तो उसे भूख लग रही है। थोड़ा सा जल्दी में डिनर हम लोग कर लेंगे। और सुरेश भी ऑफिस से निकल गया, अभी 8 o'clock ही हो रहा है, वो 10 o'clock के अराउंड अब पहुंच जाते हैं घर में। तो बस यार आज के पूरे दिन में यही सभी चल रहा है, आजकल यही सभी चल रहा है, मेडिसिन और बस यही सभी खाना, बिल्कुल लाइट खाना हो रहा है। आज तो मैंने फिर भी बना दिया मंगौड़ी, अदरवाइज तो मैं दाल ही बना रही थी इतने दिनों से, कभी कोई दाल कभी कोई दाल, बट ऐसी ही दालें जो होती हैं लाइट दालें, वही सब डॉक्टर ने बोला हुआ है, तो बस वही सभी मैं बना रही हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स ना मैं ऐसी स्टीर फ्राई करके ही बच्चों को दे देती हूँ, और तो सही रहता है, बच्चों का वेजिटेबल इंटेक भी ठीक रहता है मतलब। तो यार बस आज के इस व्लॉग में इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।